आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा कैसे आप लोग सीओसी का प्रो प्लेयर की तरह अपने बेस लेआउट को चेंज कर सकते हो। हेलो गाइस, माय नेम इज वरुण, आप देख रहे हैं क्लश ऑफ बीएम गेमिंग। आज मैं आप सबको दिखाऊंगा कैसे आप लोग बेस्ट बेस लेआउट का लिंक ले सकते हो। आपको तो पता ही होगा सीओसी में वार या फिर सीडब्ल्यूएल के लिए आपके पास अच्छा खासा बेस लेआउट होना चाहिए, तभी तो आप उस वार या फिर सीडब्ल्यूएल जीत सकते हो। या फिर आपके होम विलेज को बहुत ही बढ़िया दिखाने के लिए आपके पास बेस्ट बेस लेआउट होना चाहिए। इसीलिए मैं लेकर आ चुका हूँ एक इंटरेस्टिंग ऐप जिसके मदद से आप लोग बहुत ही बढ़िया बेस लेआउट का लिंक कॉपी कर सकते हो। तो चलते हैं उस ऐप की तरफ। उससे पहले आपको अगर इस वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ये रहा ऐप, आप लोग देख सकते हो। इसका नाम है टी क्लासर या फिर टॉप क्लासर। ये ऐप आप सबको प्ले स्टोर में बहुत आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं ऐप के अंदर और आप सबको दिखाते हैं कैसे आप लोग बेस्ट बेस लेआउट का लिंक कॉपी कर सकते हो। ये रहा ऐप ओपन हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको आपको लेटर कर देना है। इसके बाद दोनों मैप आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। एक है होम विलेज मैप, उसके बाद है बिल्डर मैप, आप लोग देख सकते हो। आप दोनों का बेस लेआउट चेंज कर सकते हो। पहले तो हम चलते हैं होम विलेज मैप पर। होम विलेज मैप के अंदर जाने से पहले आपको एक ऐड देखना पड़ेगा, उसके बाद ही चलेंगे मैप के अंदर। ये रहा होम विलेज मैप ओपन हो गया, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर टाउन हॉल 10 का वार बेस दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हो वार बेस लेआउट। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टाउन हॉल 10 का बहुत सारे बेस लेआउट है और इसके नीचे और भी है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस पर आप लोग सेट कर सकते हो आपको कौन सी टाउन हॉल का बेस लेआउट चाहिए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टाउन हॉल 4 से 15 तक सब का बेस लेआउट का लिंक है। आप लोग देख सकते हो, आप कोई भी टाउन हॉल पर रहो, टाउन हॉल 4 या फिर 15 या फिर 12, जिस पे भी रहो, आपका बेस्ट बेस लेआउट का लिंक यहाँ से कॉपी कर सकते हो। मेरा टाउन हॉल का लेवल है 7, तो चलते हैं मेरा टाउन हॉल 7 का बेस लेआउट देखते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टाउन हॉल 7 का बहुत सारे वार का बेस लेआउट है। नीचे और भी बेस है, उससे पहले आप लोग ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर ट्रॉफी बेस भी है। उसके बाद फार्मिंग बेस आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हाइब्रिड बेस आप लोग देख सकते हो। उसके बाद है फनी बेस, मतलब ट्रोलिंग बेस, बहुत क्रिएटिव है, आप लोग देख सकते हो। इसी तरह आप कोई भी टाउन हॉल का बेस लेआउट देख सकते हो और आगे मैं बताऊंगा कैसे आप लोग इस बेस लेआउट का लिंक कॉपी कर सकते हो। पहले आप सबको एक बेस लेआउट चूज करना पड़ेगा। देखो मैं इस बेस को कॉपी करूंगा, आप लोग देखो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू कॉपी पेज, यहाँ पर टैप करेंगे, उसके बाद एक ऐड आएगा, ऐड को क्लोज करने पर आपको दिख जाएगा। आप लोग देख सकते हो इधर लिखा हुआ है कॉपी बेस, इधर टैप करेंगे और सीधे चले जाएंगे सीओसी के अंदर और अंदर जाके ये वाला बेस लेआउट सेव कर देंगे। चलो मैं करके दिखा देता हूँ आप सबको। यहाँ पर आके वार बेस पर जाएंगे और उधर जाके इस विलेज को सेव कर देंगे। आप लोग देख सकते हो ये बेस लेआउट सेव हो गया। इसी तरह आप कोई भी टाउन हॉल का बेस लेआउट कॉपी करके सेव कर सकते हो। यही था आज का वीडियो। अगर आप सबको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।